नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे बगल में बैठे हैं बिहार के सबसे ट्रस्टेड हड्डी विशेषज्ञों में से एक डॉक्टर अमूल्य कुमार सिंह, और आज हम डॉक्टर साहब के साथ बैठे हैं एक बड़ी ही गंभीर हड्डियों की समस्या के बारे में बात करने के लिए, जिसे बोन टीबी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, बोन ट्यूबरकुलोसिस की बात कर रहे हैं हम, जिसके बारे में लोगों को अक्सर कम जानकारी होती है और इसीलिए ये अक्सर कई केसेस में घातक साबित हो सकती है। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को ये समझा दें कि बोन टीबी आखिर है क्या। देखिए, बोन ट्यूबरकुलोसिस जो है वह ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया है जो कि शरीर के किसी भी अंग को इन्फेक्ट कर सकता है। भारतीय परिवेश में देखा गया है कि हमारे यहाँ जिस तरह से सामाजिक गरीबी है और थोड़ी सी गंदगी है, तो वह बहुत ज़्यादा हमारे समाज में यह बैक्टीरिया फैली हुई है। लेकिन समय के साथ एक देखा गया, पहले लोग सोचते थे यह गरीबों की बीमारी है, जो गंदे में रहते हैं केवल उसी में होता है और किसी में नहीं होता है। लेकिन आज अच्छे अच्छे जो कि बहुत अच्छे परिवार के हैं, उनमें भी बोन ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी देखी गई है। वह शरीर के जितनी भी हड्डियां हैं, जितने भी जोड़ हैं, उसमें हो सकता है। लेकिन भारतीय परिवेश में देखा गया है पीठ की हड्डियों में बहुत ज़्यादा ये होता है, घुटने में ये बहुत ज़्यादा होता है, कुल्हे में होता है और किसी भी उम्र में हो सकता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोचे कि मुझे बोन ट्यूबरकुलोसिस नहीं हो सकता है, मैं बहुत अच्छा से खाना खाता हूँ इसलिए मेरे में नहीं होगा। यह होता है और इसकी शुरू में पहचान होने से बहुत सफल इलाज हो सकता है। बोन ट्यूबरकुलोसिस होने के जैसे आपने कारण बता दिए हैं, लेकिन ऐसे कौन से कारण हैं जिनको लोग अवॉइड कर सकते हैं, जिससे वो इससे अपने आप को बचा कर रख पाएंगे? देखिए, कहीं ना कहीं से बोन ट्यूबरकुलोसिस जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, वह आपकी श्वास से ही वो जाती है। पहले छाती में लॉज होती है, कभी कभी वहाँ वो ढंग से बहुत ज़्यादा ट्यूबरकुलोसिस का परेशानी नहीं बनती है और कहीं उसके बाद वह जाके दूसरे जोड़ों में जा सकती है। जो भी जोड़ है हमारे शरीर में, हमारे अगर शरीर की संरचना देखिए तो यह जो पीठ है पूरे, ये सारे इसमें हो सकता है, जिसको कैरीज स्पाइन बोलते हैं। ये कुल्हे में हो सकता है, घुटने में हो सकता है, हर जगह ये हो सकता है। तो समय आया है कि हमको पहचान करने के लिए, अगर दर्द हो रहा है किसी जोड़ में, सूजन हो रही है, तो यह बोन ट्यूबरकुलोसिस का एक लक्षण हो सकता है। और एक और चीज़ देखा गया है, अगर कैरी स्पाइन जो पीठ का बीमारी है, जनरली उसमें रात में दर्द बढ़ता है, हल्का हल्का बुखार आएगा। उस मरीज में ऐसी नहीं सोचनी है कि खांसी होगी, क्योंकि जब छाती का होगा तभी खांसी होगी, ऐसा नहीं सोचना है, भूख कम हो जाएगा। तो दर्द, हल्का हल्का दर्द, हल्का बुखार अगर हो रहा है, तो आपको यह सोचना है कि आपको बोन ट्यूबरकुलोसिस भी शायद हो सकता है। ये जो बोन ट्यूबरकुलोसिस है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, किन लोगों को ये होने का खतरा ज़्यादा होता है? ज़्यादा तो देखा गया है ये गरीबों में होता है, जिनके यहाँ पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता है, जिनके यहाँ शरीर में अच्छे प्रोटीन और विटामिन्स की कमी होती है, वो गंदगी वाले जगह पे रहते हैं, कार्य करते हैं, तो वहाँ पे ये ज़्यादा कारण होता है कि ट्यूबरकुलोसिस उनको होता है। वह शरीर के अगर बोन्स में आ गया तो बोन ट्यूबरकुलोसिस में होता है। लेकिन अच्छे अच्छे परिवार में भी होता है कि यह बीमारी किसी भी जगह, वो बच्चे जब खेलने जाते हैं, कुछ अलग जगह खेल रहे हैं, वहाँ से उनको ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन आ जाए, उसके बाद वो जरूर बोलते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा खाना खाता हूँ, लेकिन इन्फेक्शन आपके शरीर में पहुँच चुकी है। अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, आपके में प्रतिरोधक क्षमता कम है, तो आप में ट्यूबरकुलोसिस होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा है। बोन टीबी की बीमारी एक शख्स के लिए, एक मरीज के लिए कितनी घातक साबित हो सकती है? बोन ट्यूबरकुलोसिस में आजकल रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस बहुत ज़्यादा हो गई है। कहीं ना कहीं दवाओं का जो एक पूर्ण रूप से अगर आप उपयोग सही समय से नहीं करते हैं, जो कि भारतीय परिवेश में छाती में 6 महीने का इलाज, हड्डियों के अगर ट्यूबरकुलोसिस हो जाए तो 9 महीने से 15 महीने का इलाज बहुत ज़रूरी है। अगर 2 महीने 3 महीने करके आप दवा छोड़ देते हैं, या दवा के दुकान से 1 महीने की दवा खा के आप बंद कर देते हैं, तो रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है। और रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस का इलाज करना बहुत मुश्किल है, कि वह जो पुरानी दवाएं थी 4-5, वह उस पर काम नहीं करती है, आपको नई दवाओं का उपयोग करना पड़ता है। नई दवाएँ अच्छी है पर बहुत महंगी हैं,
महंगाई के साथ उनके साइड इफेक्ट्स भी बहुत हैं, इसलिए परेशानी ज़्यादा होती है। इसलिए शुरू में अगर आपको चिकित्सक बताते हैं जिस तरह से दवाओं का उपयोग करना, अगर आप उसको सही समय के साथ करते हैं तो 100% यह बीमारी को ट्रीट किया जा सकता है। क्या बोन ट्यूबरक्यूलोसिस एक इंसान के शरीर में और भी कई समस्याओं को जन्म दे सकता है? बोन ट्यूबरक्यूलोसिस की अगर बात करें, जैसे पीठ में अगर ट्यूबरक्यूलोसिस हो गई और उसका इलाज नहीं पड़े तो आप समाज में बहुत लोगों को देखते होंगे, उनका कुबरपन निकला रहता है, वो पूरा पीठ टेढ़ा हो जाता है। यह जो बीमारी अगर यहाँ हो रही है, अगर ये दो हड्डियाँ, यहाँ पे 33 हड्डियाँ होती हैं, इसमें दो या तीन अगर सड़ जाती हैं तो वो इस तरह से बेंड कर जाती हैं और कुबर हो जाता है, तो वो एक बोन ट्यूबरक्यूलोसिस है। अगर कुल्हे में अगर हो जाती है, वह जोड़ जहाँ पे चलता है, जैसे ये कुल्हा आपको इस जगह से चल रहा है, ये अगर ट्यूबरक्यूलोसिस के कारण नहीं चलेगा तो ये जाम हो जाएगी। घुटना जो चलना चाहिए ये अगर नहीं चलेगा तो ये जाम हो जाएगी। तो वैसे हालत में वो जोड़ पहले जैसा कार्य नहीं करता है और मरीज अपना दिनचर्या भी नहीं कर पाता है, उसको लेटने, बैठने, चलने हर में परेशानी हो सकती है। बोन ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए इलाज क्या है? बोन ट्यूबरक्यूलोसिस की सबसे पहली इलाज है सही समय पे उसको पहचान लेना। अगर आप सही समय पे उसको पहचान लेते हैं, नेचुरली वो एक चिकित्सक का कार्य होता है, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन का कार्य होता है, उसको शुरू में पहचान लें, क्योंकि कोई भी जांच ऐसा कंफर्म्ड आजकल नहीं है। आप MRI की बात करें, CT स्कैन की बात करें, एक्सरे की बात करें, खून में अलग अलग महंगी जाँचें हैं उनको बात करें, जो कंफर्म ये बता दे कि 100% ट्यूबरक्यूलोसिस है या नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप में सोचना पड़ता है कि बीमारी, उसकी जो भी इतिहास है बीमारी की, उसकी जांच में जो मरीज को मिल रहा है उसको देख के समन्वय एक बनानी पड़ती है। अगर वह ट्यूबरक्यूलोसिस की तरफ फिट बैठता है तब उसको टिश्यू को निकाल के हम जीन स्टडी कराते हैं, उससे पता चल जाता है, तब उसका इलाज शुरू करते हैं। और एक बार अगर सही बीमारी पकड़ा गई तो 100% उसका सही इलाज संभव है। केवल पहचानने में जो समय लगता है उस समय चिकित्सक को बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ मरीज के एक एक जांच को देखना चाहिए। एक आखिरी सवाल यही रहेगा कि बोन TB के जो भी मरीज होते हैं, ऐसे जो भी लोग हैं जिन्हें बीमारी हो जाती है, तो वो किन चीज़ों का खास ख्याल रखें ताकि बीमारी और ज़्यादा ना बढ़े? बोन ट्यूबरक्यूलोसिस में एक सबसे बड़ी बात आ जाती है, वह है रेस्ट। रेस्ट अगर आप नहीं दीजिएगा तो वह बीमारी को सही ढंग से आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर बोन ट्यूबरक्यूलोसिस स्पाइन में हो रही है, पीठ में हो रही है, मरीज को हमेशा बोलते हैं आपको लेट के रहना है, आपको जो दिनचर्या है पैखाना पेशाब सब बिस्तर पे करनी है। मरीज ये मानने को तैयार नहीं होते, वो बोलते हैं हम दिन में एक बार जाएंगे लैटरिन, तो उससे भी परेशानी बढ़ जाती है। अगर वह एक महीना लेट के रहते हैं तो दवाओं का 100% उपयोगिता उस मरीज में हो जाती है। अगर आप चलते फिरते रहते हैं, रेस्ट नहीं लेते हैं, तो बीमारी का इलाज सही ढंग से नहीं हो पाता है और बीमारी सही समय पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो पहला, सबसे पहले हम लोग बोलते हैं रेस्ट बहुत ज़रूरी है, वो कुल्हे का हो, घुटने का हो, जहाँ का भी हो, उसमें रेस्ट आप दीजिए। और जब आप चलने लगते हैं, जैसे पीठ की बात करें, तो पीठ में इस तरह का बेल्ट का अगर उपयोग किया जाए तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। यह आपको मुड़ने नहीं देता है, आपको रेस्ट देता है। तो पहला रेस्ट, उसके बाद जो दवाएं जैसे चिकित्सक ने लिखी है उसका आप उपयोग कीजिए। आज सरकार आपको अच्छे ट्यूबरक्यूलोसिस सेंटर में फ्री में दवाएं दे रही है, तो दवाओं पे आपका खर्च भी नहीं होता है, फ्री में दवाओं का सेवन कर सकते हैं, लेकिन उसको प्रोटोकॉल को आपको फॉलो करना पड़ेगा, आप पूर्ण रूप से ठीक हो सकते हैं। और अगर वो जोड़ों का टेढ़ापन या ज़्यादा हो जाए तभी आपको शल्य चिकित्सा की ज़रूरत होती है। तो देखा आपने कि बोन TB से जुड़ी डॉक्टर साहब कितनी अहम जानकारी दे रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि आप अपने शरीर को लेकर खुद ज़्यादा सचेत रहें, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जिसे आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। ऐसे में आप अपने आप को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा सतर्क रहें, अपने डॉक्टर को रेगुलरली विजिट करते रहें और बताए गए मेडिसिन टाइम से लें और रेस्ट करें, ये बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो बीमारी ऐसी चीज़ों से ठीक हो सकती है वो अक्सर लापरवाही की वजह से विकराल रूप ले लेती है। तो वैसी नौबत ना आए इसीलिए डॉक्टर साहब की बताई हुई हर बात का आप खास ख्याल रखें। बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहब के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर ज़रूर करें, अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।